Hello, class 11th student. I explained you the question answer of photograph. Today I am teaching you its last part with question answer. Question number 6. What does this circumstances refer to? Your word, this circumstances क्या समझाता है? This circumstances refer to the death of poet's mother. This circumstances का मतलब poem में यह है कि यह poet की mother की death यानि स्वर्गवास को दर्शाता है. Whenever she saw the photograph of her mother, she become sad as photograph brings sad nostalgic feeling. She get lost in the old sweet memories of past. जब भी वह इस फोटोग्राफ को देखती है तो वह मानसिक रूप से परेशान हो जाती है, खराब फील करती है और पुरानी मेमोरी में चली जाती है. बट शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती है. शी हैज नथिंग टू स्टे एट ऑल अबाउट इट, अब वह कुछ करते हुए नहीं रुक सकती है. She maintains silence and silent leads to a deeper pall, cover of silence. वह केवल शांति के साथ रह सकती है. That is the meaning of this circumstance. Now the next question is the three stanza. देखिए ये three stanza depict three different faces. What they are? इसमें हमारे पास क्या है? वो ये बता रहा है. Shelley Tolson, a photograph describe the three places. यानी जिंदगी के इसने three places को यहाँ पर define किया हुआ है. तो मेरे पास क्या है? यहाँ पर जो three places के लिए बात कर रहा है कि जिंदगी के कौन कौन से तीन places को इसने explain किया है. तो first place को ये है. In the first place, the poet mother is described as 12-year-old girl. With a sweet and innocent smile. पहले फेस में जब पोएट की मदर 12 ईयर की थी तब की कंडीशन को बता रहा है. वो बहुत सुंदर और इनोसेंट थी. शी स्टैंडिंग ऑन द बीच इंजॉइंग अ हॉलीडे विथ ठीक शी स्टैंडिंग ऑन द बीच इंजॉइंग द हॉलीडे विथ टू कजिन. वो अपनी दो कजिन के डॉली और बेटी के साथ इंजॉय कर रही थी. दिस वॉज द फेस बिफोर पोएट बॉर्न. या ये जो आपके पास फेस था ये हमारे पास कब का था? जब पोएट यहाँ पर उसका जन्म भी नहीं हुआ था. यानी ये फर्स्ट फेस वो बता रहा है जब पोएट अपने बर्थ के पहले माँ को जानता था. ठीक है. नाउ द सेकेंड फेज, दिस इज द सेकेंड फेज. इन द सेकेंड फेज द पोएट मदर मिडिल एज इज डिस्क्राइब. सेकेंड जिंदगी के सेकेंड फेज में मदर की मिडिल एज को एक्सप्लेन किया हो गया. वेयर शी इज लॉफिंग एट आर ओन स्नैपशॉट. जब वह अपने खुद की फोटो देखकर हंसती है. पर द गर्ल वेयर लुकिंग क्वाइट फनी इन द बीच क्लोथ. और जो लड़कियां हैं की बहन के साथ जो कपड़े पहने हैं वो एक हंसी के पात्र, यानी उनको खुद ही लग रहा है कि ऐसे कपड़े पहन के हमने यहाँ पर ऐसा काम किया हुआ है. एंड दिस इज द थर्ड फेस. तो थर्ड फेस में हमारे पास क्या है? द थर्ड फेस डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग ऑफ हर मदर हु हैज डाइड. और थर्ड फेस में उसके मदर की डेथ हो चुकी है बहुत दिनों पहले. दिस इज द करेंट फेस द फोटोग्राफ रिवाइज नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन हर एंड इट लीड्स टू अ डीपर साइलेंस. और यह जो लास्ट का थर्ड फेस है वो आज का उसका थर्ड फेस है और उसमें वह अधिक दुख अपने आप को फील करता और वो शांत हो जाता है. ठीक है. अब दो मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं द फोटोग्राफ एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चन एंड आंसर जो आपने पढ़ा है उसकी समरी के बेस पर आते हैं. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रिपेयर किया है. रीड द एक्सट्रैक्ट गिविंग ग्लो एंड आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो. द कार्डबोर्ड शोड मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट
paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 10 years ago. Question number 1, what does the cardboard refer to? अब मैंने आपको स्टोरी 2-3 बार समझा दी है. कार्डबोर्ड लगा हुआ है, फोटोग्राफ लगा हुआ है, उसमें वह राइटर अपनी मदर की फोटो देखता है, उसके साथ दो बहनें हैं, बीच में टहल रही हैं, और ऐसा करते करते उसने पूरी स्टोरी को बनाया हुआ है और वह पोयम मैंने एक्सप्लेन करी है. तो इसी को अपन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. व्हाट डज द कार्डबोर्ड हियर रेफर टू, यानी हमारे पास कार्डबोर्ड यहाँ पर किसको रेफर करता है. नंबर 1, अ थिक पेपर ऑन विच द पोएट फोटोग्राफ वाज पेस्टेड, अ थिक एनवलप, अ थिक पेपर ऑन विच द पोएट मदर फोटोग्राफ पेस्टेड, अ पेपर बोर्ड. तो नेचुरली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पोएट की मदर का फोटो पेस्ट करके टंगा था, वही कार्डबोर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर टू कार्डबोर्ड डिपिक्ट. ठीक है, नंबर 1, इट डिपिक्ट्स अ सीनरी, इट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ हाउस, इट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ स्कूल, इट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल. कार्डबोर्ड में क्या चिपका हुआ था, तो इट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है हु इज गर्ल, बिग गर्ल मेंशन्ड हियर. इसमें से जो बड़ी लड़की है उसको क्या मेंशन है. द बिग गर्ल इज पोएट हरसेल्फ, द बिग गर्ल इज द पोएट्स मदर, द बिग गर्ल इज द पोएट्स रिलेटिव, द बिग गर्ल इज पोएट्स फ्रेंड. तो नेचुरली जो इन तीनों बहनों में थी वो पोएट की माँ थी और वही सबसे बड़ी उम्र में थी, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स Listen here, I am giving you another stanza or paragraph. You have to learn. इसको आपको सीखना है, करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जैसे अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके आंसर लिखना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको करके आपको उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है, और इन क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है. इससे आपको पास क्या होगा, जो पैराग्राफ राइटिंग या पैराग्राफ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी. मैंने यहाँ पर 3 को सेट किया हुआ है, एक और मैं करके बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला आप होमवर्क करेंगे. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. वह तीनों तैयार होके अपने ईयर के ऐसा घुमा के अंकल के कैमरे के सामने थी. विद देयर स्वीट फेस, माय मदर डैड वाज बिफोर आई बॉर्न, एंड द सी व्हिच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिट फील. अब आपको इसको पढ़ना है और इसमें से वही ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, व्हाट डज द पोएम मीन बाय स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. पोएम पोएट का ये सोचना कि स्माइलिंग थ्रू हेयर, इसका मीनिंग क्या है. तो देखिए आप, इतना आपको ऑप्शन में पता ही लग रहा है. इट मीन्स दैट द स्माइल वॉज पेंटेड ऑन हेयर ऑफ द फोटोग्राफ्ड गर्ल. बी क्या है, इट मीन्स दैट द फोटोग्राफ गर्ल वेयर वेयरिंग अ मास्क. सी, इट मीन्स दैट द हेयर ऑफ फोटोग्राफ्ड गर्ल वेयर कवरिंग देयर फेस When they were smiling, it means that the hair of the girl in photograph was smiling too. ठीक है, तो naturally इन सारे ऑप्शन में हो तो देखिए, this option she is correct. It means that the hair of photograph girl were covering their face when they were smiling. यानी उसकी mother और सारे लोगों का face बालों से ढका हुआ था जब photograph ली गई थी. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. समय बीतने के बाद भी किसका परिवर्तन नहीं हुआ. देखो, उसकी माँ बूढ़ी हो गई, फोटोग्राफ पुराना हो गया, लेकिन जो समुद्र था वह पुराना नहीं हुआ. तो नॉट चेंज, तो देखिए फोटोग्राफ
पुराना हो गया, कार्डबोर्ड पुराना हो गया, उसकी मदर खत्म हो गई, लेकिन जो समुद्र सी है वो एज इट इज है। इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा। समुद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई भी चीज का थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकना या निर्भर रहना या परिवर्तित होना, यहाँ पर कौन से वर्ड को शो करता है? तो देखिए, स्टिल, स्टिल यानी एक सा रहना, ट्रांजिट यानी परिवर्तित होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो दिस इज द करेक्ट वर्ड। चेंज, चेंज तो परिवर्तन है, उसमें ना थोड़ा सा चेंज ट्रांजिस्ट कहलाता है, लेस थोड़ा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये आपका यहाँ पर है ना होमवर्क है। ठीक, ये आप क्या करिएगा, इस होमवर्क के लिए आप इसको रीड करिएगा, और रीड करने के बाद ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको ट्राई करिएगा। और न्यू वर्ड के लिए आप क्या करिए, डिक्शनरी ओपन करिए, डिक्शनरी ओपन करने के बाद नए वर्ड को लिखिए, सीखिए। अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं होगी तो आपको इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो नए वर्ड सीखना आपका काम है, और उसको आप देखिएगा, इसको नोट करिए, सॉल्व करिएगा।